हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पर्पल हॉल के लिए बोला था कि पर्पल से कुछ सामान परचेस करके बताएं कि सामान कैसा है। तो मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैं 3 बार पर्पल से शॉपिंग कर चुकी हूँ, बट सिर्फ मैंने एक बार कुछ महीने पहले मैंने पर्पल का जो शॉपिंग हॉल यहाँ पे शेयर किया था। लेकिन अब मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ नया चीज़। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने मंगवाई है, और ये है वो पूरा। बता दो कि ये ना कोई पीआर बॉक्स है, ना ही मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है। ये मेरी अपनी खुद के पैसों की शॉपिंग मैंने की है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आपको जो चाहिए होता है वही, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने पर्पल से बहुत सारी शॉपिंग की है। एक्चुअली ये 3 दिन पहले ही ये प्रोडक्ट रिसीव हो चुके हैं, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी। फाइनली आज मैं शूट कर रही हूँ। आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है? इसमें ना बीबी क्रीम है, ना फाउंडेशन है, ना सीसी क्रीम है, ना कंसीलर है, कुछ भी नहीं। बिना कंसीलर के, बिना मतलब मेकअप बेस मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और आप बताना कि ये मेकअप लुक आपको अच्छा लग रहा है। अगर हाँ, तो अगर आपको देखना है इस तरह का, ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करना है, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जल्दी से जल्दी उसका वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्किन केयर की बात करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये VLCC का सिल्वर फेशियल किट, और ये छोटा फेशियल किट है। इस पर काफ़ी अच्छा कुछ ऑफर चल रहा था। ये रिटर्न प्राइस तो है 250 रुपीज़, लेकिन इसका कुछ डिस्काउंट में चल रहा था, आई थिंक 195 में मुझे मिली है ये। तो ये मेरा सबसे छोटा वाला फेशियल किट है, और VLCC का फेशियल किट मुझे पहले भी बहुत पसंद था, बट सिल्वर फेशियल किट मैं पहली बार यूज़ करूँगी, तो इसका डेमो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ मैंने मंगवाई है ये है रूप मंत्रा का नीम फेस वॉश। तो रूप मंत्रा की तो आपको पता है मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, और इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, 83 रुपीज़ थी, और ये 83 की आई थिंक आई है। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, पिंपल स्किन वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे ऋषिकेश में आने लगी है थोड़ी सी गर्मी सी, सारा दिन रहती है, थोड़ी सी स्वेटिंग की प्रॉब्लम है मुझे, और मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे पिंपल्स ना आने लगे, इसलिए मैं ये वाला फेस वॉश मंगवाई हूँ। और तो इसको यूज़ करूँगी, इसका रिव्यू जल्दी ही मैं अपने थर्ड चैनल पर शेयर करूँगी, नेचुरल DIY एंड रिव्यू पर मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लेना, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इसके बाद स्किन केयर में मैंने मंगवाया है ये गुड वाइब्स का चारकोल डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क। तो ये काफ़ी ट्रेंड में है, पिछले एक साल से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन ये पहली बार मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। चारकोल फेस पील मास्क तो मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये मास्क मैंने यूज़ नहीं किया है, खासकर गुड वाइब्स का। तो मैं इसको देखूँगी, इसकी प्राइस आई थिंक मेंशन है, इसकी प्राइस आई थिंक 100 रुपीज़ के लगभग मिली है, मुझे ध्यान नहीं है इसकी प्राइस, मुझे याद नहीं है, मैं कोशिश करूँगी यह मेंशन करने की। आई थिंक 100 या 150 के अराउंड इसका प्राइस पड़ा है, तो मैं ज़रूर बता दूँगी। स्किन केयर प्रोडक्ट में तो इतना मंगवाया है। इसके बाद मैंने कुछ मेकअप बेस बोल लो या स्किन केयर भी बोल लो, वो है लैक्टोकेलामाइन। मैंने ये लैक्टोकेलामाइन भी मंगवाया था, ये कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन के लिए है। तो राइट नाउ मेरी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है, कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि ये टी जोन जो है मेरा, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है आजकल, तो मैंने इसको ही मंगवाया है, देखते हैं ये कैसा काम करता है। इसके पहले मैंने पर्पल कलर वाला यूज़ किया था, जो इसका दूसरा कलर आता है ना वो, तो इसको भी अभी मैंने ओपन भी नहीं किया है, तो अभी मैं देख के इसके साथ आपको एक मेकअप लुक क्रिएट करके बताऊँगी। इसके बाद मैंने मंगवाया है लैक्मे का ये लूज पाउडर, जो लूज पाउडर है ये सनस्क्रीन के साथ आता है, तो इसमें सनस्क्रीन भी है। ये पाउडर काफ़ी पुराना है, बाबा आदम के ज़माने का है, जब मैं छोटी हुआ करती थी तब भी ये पाउडर था, और ये पाउडर मेरे पास आज तक नहीं था। मैं सच बोलूँ तो मैंने ये पाउडर आज तक परचेज नहीं किया था, लूज पाउडर लैक्मे का, जबकि सबसे सस्ता पाउडर है लैक्मे का, और मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया था। अभी भी ये सील पैक है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। जो मैंने शेड लिया है ये नेचुरल बेज लिया था, सॉरी, जो मैंने शेड लिया है ये पिंक, रोज़ पिंक लिया था, क्योंकि ये दूसरा वाला जो शेड था वो नहीं था, मैं बोली कि चलो इसको इसी से काम चला लेंगे, तो ये वाला मैंने लिया है। इसकी जो रिटेल जो रिटर्न प्राइस है 160 रुपीज़ है, लेकिन पर्पल पर आई थिंक 140 रुपीज़ का ही आया, तो उतना ध्यान से याद नहीं है, आप पर्पल के साइट चेक कर सकते हो। अगेन मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पीआर बॉक्स नहीं है, पर्पल हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को नहीं पूछता, बड़े यूट्यूबर्स को पूछता है।
और इसके बाद मैंने मंगवाया है ये मेवलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा जो वॉशेबल है, वाटरप्रूफ नहीं है। समर आ गई है और जैसा कि मैं कभी बाहर जाना होता है मुझे ज़्यादा टाइम के लिए, तो मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ। बट नॉर्मली वीडियोस बनाने के पर्पज़ से या घर में रहती हूँ या छोटे मोटे फंक्शन में जाना हो एक दो घंटा के लिए, तो इस टाइप के मस्कारा यूज़ करना पसंद करती हूँ जो वॉशेबल हो, क्योंकि ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसकी प्राइस है 310 रुपीज़, लेकिन ये 275 में आई थिंक मुझे मिली है, तो इतना डिस्काउंट था। इसके बाद मैंने मंगवाया है फाउंडेशन, ये है लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, इसमें SPF 8 है। काफ़ी इसका नाम है, मेरे पास ये भी फाउंडेशन नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब यूज़ करूँगी, कर रही हूँ नहीं, करूँगी, और इसके साथ आपको एक मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊँगी। ये 260 रुपीज़ इसकी आई थिंक प्राइस है, 260 रुपीज़, एंड ये मुझे 234 में मिली है, तो इतना डिस्काउंट था। और इस फाउंडेशन के बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बताते हैं, तो जल्दी ही इसके साथ एक मेकअप लुक आप क्रिएट करके जल्दी से जल्दी बताऊंगी। इसके बाद मैंने मंगवाया है लैक्मी का ये इंस्टा लाइनर, बहुत हंसने की बात है, मेरे पास लैक्मी का इंस्टा लाइनर आज तक नहीं था, सच्ची बोलती हूँ नहीं था मेरे पास, लेकिन इंस्टा लाइनर मैंने मंगवाया है और इसके साथ एक लुक भी आपको क्रिएट करके दिखाया था। आई थिंक आईलाइनर वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें इसका यूज़ किया है, स्पेशली मैं उसी वीडियो के लिए इसको मंगवाई थी, और क्योंकि बिगनर्स के लिए ये वाला लाइनर जो है ना, इंस्टा लाइनर, ये काफ़ी अच्छा होता है, पॉकेट फ्रेंडली है, और जिनको सीखना है उनके लिए ये बेस्ट लाइनर है। तो आप अगर बिगनर्स हो तो बिल्कुल इसको परचेस कीजिए। इसकी जो रिटेल प्राइस है 120 रुपीज़, और ये मुझे आई थिंक 120 रुपीज़ में ही मिली है, तो अभी मैंने आज इसको देखा है तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। मेबलिन का कंसीलर, मैं एक्चुअली मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर मंगवाना चाहती थी, बट मैंने जब उसके रिव्यूज़ देखे ना, तो वहाँ पे लिखा है कि वो एवरीडे पर्पस के लिए नहीं है, और वो थोड़ा सा स्ट्रांग कंसीलर है, और ये बहुत लाइट वेटेड कंसीलर है, तो काफ़ी मैं सोची कि चलो इसको ही मंगवा लूँ, नेक्स्ट टाइम उसकी परचेज करूँगी। इसका प्राइस जो है ये 475 रुपीज़ है, और ये 475 का ही मिला है, नो डिस्काउंट, तो इसको भी जरूर मैं ट्राई करके बताऊंगी। और इसमें मेरा शेड है सैंड, एक्चुअली सैंड ही मंगवाया है मैंने, अभी देखूंगी ये शेड मुझ पे काम करता है या नहीं, क्योंकि ये अभी सील्ड है, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। जल्दी ही इस सबके साथ आपको एक मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ मिलेगा। इसके बाद मैंने मंगवाया है ये है प्लम का काजल, और ये इसकी प्राइस जो है ये 395 या 495 रुपीज़ है, हाँ 495 रुपीज़ है इसकी प्राइस, और ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है, इसके साथ ये ब्रोशर बोले, पैम्पलेट बोले, जो भी बोलो, जिसमें जो प्लम का बहुत सारा जो भी प्रोडक्ट है वो सारा यहाँ पे मेंशन है आई थिंक, तो इसको मैंने खोल के अभी पूरे अच्छे से नहीं देखा है। इसके साथ ये वाला शार्पनर आया है जिसकी प्राइस है 150 रुपये, 150 रुपीज़, आई डोंट नो इस शार्पनर में ऐसा क्या है जो इसकी प्राइस 150 रुपये दे दिया है, तो ये है इसका शार्पनर, तो जल्दी ही इसके साथ अलग अलग मेकअप लुक आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो ये प्लम का काजल नो डिस्काउंट 495 रुपीज़। इसके बाद मैंने एक चीज़ मंगवाई है, ये है बेला वोस्टे का एक लिपस्टिक है, क्रियोन्स लिपस्टिक जो है, कलर इसका अच्छा लगा और काफ़ी पिगमेंटेड है। लास्ट मैंने जो मेकअप लुक क्रिएट किया था उसमें ये लिपस्टिक का मैंने यूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओनली 97 रुपीज़ की है और फुल ऑन पैसा वसूल है, बहुत ही पिगमेंटेड है, और ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें बहुत सारे शेड्स थे लेकिन ये शेड्स मैंने मंगवाया, मैंने सोचा कि मेरे पास नहीं है तो चलो इसको मंगवा लेते हैं, तो हाँ मुझे ये काफ़ी खुशी हुई, मैंने एक ही मंगवाया। और इस बार के जो सामान मैंने मंगवाए हैं ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बिल्स हैं, ये एक एक प्रोडक्ट है, एक एक बिल है, तो ये ऑलमोस्ट 3,500 के प्रोडक्ट थे। पिछली बार जब मैंने मंगवाया था तो आई थिंक 1,600 रुपये के प्रोडक्ट थे, उसमें दो चीज़ मुझे फ्री में आई थी, एक तो नेल पेंट आई थी, आई एम्सडम की नेल पेंट एक मिली थी रेड कलर की जो मैंने अभी वियर कर रखी है, और दूसरा जो मिला था वो मुझे एक फेस वॉश मिला था छोटा सा,
गुड वाइब्स का ही। इस बार मुझे कुछ भी नहीं मिला फ्री में, कोई भी कुछ भी नहीं मिला, तो थोड़ा सा मन दुखा, लेकिन ठीक है, हर बार तो ऑफर नहीं रहते ना। और मैंने कोई ऑफर देख के नहीं परचेज किया था, मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास कंसीलर खत्म हो चुका था, कंसीलर मेरे पास नहीं था। और अभी आप लोग जानते हो कि मैं मेकअप लुक का भी कुछ कुछ मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो थोड़े थोड़े चीज़ें होनी चाहिए। कंसीलर तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती थी, लेकिन कुछ कुछ वीडियो में कंसीलर की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्लम का काजल मैं यूज़ करना चाहती थी काफी दिनों से, लेकिन अभी तक कर नहीं पाई थी, तो फाइनली प्लम का काजल मंगवाया, वीएलसीसी का फेशियल किट मंगवाया, इसलिए कि वीएलसीसी का फेशियल मैं करना चाहती थी। काफी दिन हो गए हैं कोई फेशियल नहीं किया है। लास्ट मैंने रूप मंत्रा का फेशियल आपके साथ शेयर किया था, बट फीमेल्स को जो हाउसवाइफ है या बाहर जो भी काम करती है, फीमेल्स को भी रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पार्लर जाके अपना फेशियल करवा पाऊँ, तो मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कर लूँ DIY चीज़ों से, या किट मंगवा के घर में ही कर लूँ। तो इसके लिए मैंने ये काजल मंगवाया। जो भी चीज़ें मंगवाई है ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी, कोई भी एक्स्ट्रा मैंने ये खर्च नहीं किया है। आप लोग ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, नहीं, हर चीज़ के लिए बहुत सोच सोच के मैंने चीज़ें मंगवाए हैं। आप लोग देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर शॉपिंग हॉल शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि सब मेरे पॉकेट से जाते हैं, तो इतना ही मैंने मंगवाया है। और इन सब के साथ मैं मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी, प्लस इन सब का रिव्यू भी जल्दी से जल्दी दूंगी आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, उसको बहुत सारा शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, आपको और भी कोई चीज़ों की फरमाइश हो, कोई रिव्यू देखना है किसी प्रोडक्ट का, कपड़ों का, ज्वेलरी का, या कुछ भी का, तो मुझे जस्ट बताइए, और साइट्स भी बताइएगा कहाँ से परचेस करूँ, तो वहाँ से मैं ज़रूर परचेस करके जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊँगी, उसका रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय।